और चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि जयपुर से खबर आ रही है, सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे दें, क्योंकि जयपुर से ही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि मामले में पकड़े गए शूटर्स को एनआईए आज कोर्ट में पेश करेगी। आपको बता दें कि आज कोर्ट में पेशी होगी, एनआईए आज कोर्ट में पेश करेगी और एनआईए की विशेष अदालत में आज आरोपियों की पेशी होगी। तो वहीं शूटर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी सहित अन्य आरोपियों की रिमांड अवधि पूरी होने पर ये पेशी, और एनआईए ने करीब 4 दिन पहले ही आरोपियों को अपनी कस्टडी में लिया था। आपको जानकारी दे दें कि गोगामेडी हत्याकांड में जो एनआईए है, अब वो आरोपियों की पेशी करने जाएगी कोर्ट में। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में। तो वहीं गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी फाइल और पत्रावलियों को भी एनआईए ने अपने हक में ले लिया है। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी कमलकांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलकांत, देखिए आज आरोपियों की कोर्ट में पेशी होने जा रही है, एनआईए आज कोर्ट में पेश करेगी, जरा इस मामले को लेकर जानकारी साझा करें। जी बिल्कुल इंदु, वर्तमान में हम मौजूद हैं जयपुर जिला कोर्ट, जहाँ पे एनआईए की विशेष कोर्ट है। यहाँ पे सुखदेव सिंह गोगामेडी के जो आरोपी हैं, रोहित राठौड़, नितिन फौजी सहित करीब 8 आरोपी हैं, जिनको एनआईए की टीम यहाँ बड़ी सुरक्षा में यहाँ लाएगी और कोर्ट में पेश करेगी, क्योंकि आज उनकी रिमांड अवधि पूरी हो गई है। अभी फिलहाल कुछ देर पहले ही जो पुलिस अधिकारी यहाँ पहुँचे, मौका मुआयना कर रहे हैं, उसके बाद जाब्ता यहाँ लाया जाएगा, जहाँ पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच में उनको पेश किया जाएगा। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी मेरे सत्यनारायण जी हैं, हम उनसे जानते हैं कौन कौन अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं और क्या कुछ इनकी व्यवस्थाएं हैं। जी भाई साहब, कमला जी, देखिए गोगामेडी जो हत्यारे हैं, काफ़ी सेंसिटिव मामला था, ऐसे में पुलिस की चौकसी जरूरी है। पूरा जो कोर्ट प्रेमिसेस है उसको सुरक्षित जद में ले लिया गया है। खुद जो वेस्ट के जो अधिकारी है वो यहाँ पर आए हुए, तो माना जा रहा है कि आधे घंटे बाद में जो 8 आरोपी हैं, जिसके अंदर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी मेन जो शूटर हैं, उसके अलावा उनके 6 अन्य साथी और साथ साथ एक महिला साथी, 8 आरोपियों को थोड़ी देर पश्चात यहाँ पेश किया जाएगा। एनआईए ने इस मामले में लेने के बाद में पहली बार एनआईए कोर्ट में पेश करेगी। माना जा रहा है कि एनआईए 10 दिन से अधिक उनका रिमांड कोर्ट से मांगेगी और कितने की रिमांड मिलती देखने में बात होगी। जी बिल्कुल, वरिष्ठ सहयोगी सत्यनारायण जी ने बताया कि करीब 10 दिन का पुलिस उनका रिमांड मांग सकती है और एनआईए पहली बार उनको पेश करेगी। करीब 4 दिन पहले ही एनआईए ने उनको अपनी कस्टडी में लिया है, सभी 8 आरोपियों को अपनी कस्टडी में लिया है और सभी दस्तावेज और जो फाइल हैं, पत्रावलियाँ हैं, उनको अपने अधीन किया है। जी इंदु, बिल्कुल कमलकांत, क्योंकि एनआईए ने 4 दिन पहले ही इन आरोपियों को अपनी कस्टडी में लिया था और आज जो पेशी होगी, एक बार इसको लेकर जानकारी दीजिए, कितनी बजे तक ये पेशी होगी? जी अभी जो पुलिस अधिकारी यहाँ पहुँचे, उन्होंने मौका मुआयना किया है, पूरे कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच उनको यहाँ लाया जाएगा और करीब आधे से 1 घंटे के बीच उनको एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद एनआईए उन करीब और 10 दिन का उनका रिमांड मांगने की ऐसी सूचना मिल रही है। जी इंदु, बिल्कुल कमलकांत, क्योंकि मौका मुआयना प्रशासन के द्वारा लगातार किया जा रहा है। हम चाहेंगे अगर आपके पास में कुछ पुलिसकर्मी मौजूद है तो आप उनसे भी बात करें, उनसे भी जानकारी जरा लीजिए, क्योंकि बहुत ही संगीन मामला था गोगामेडी हत्याकांड मामला। ऐसे में आज कोर्ट में पेशी होगी, तो एक बार क्योंकि जो अधिकारी, जो कर्मचारी जो पुलिस से बिलोंग करते हैं, वो अगर मौका मुआयना कर रहे हैं तो उनसे भी ज़रा बातचीत करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि जो पुलिस अधिकारी यहाँ आए हुए हैं, वो ये जो बिल्डिंग है 3 मंजिल की, 4 मंजिल की ये बिल्डिंग है, इसमें 3rd फ्लोर पे एनआईए की जो कोर्ट है वो ऊपर से और नीचे तक किस तरीके से सुरक्षा जब्ता है। अभी यहाँ पुलिस अधिकारी एक दो हमारे साथ हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर क्या कुछ सुरक्षा इंतजाम, कुछ अधिकारी बताने की कोशिश नहीं कर रहे, हम कोशिश करते हैं अभी फिलहाल। बिल्कुल, फिलहाल क्या है, पूरा बच रहा है अभी बात करने से, वो तस्वीरों में नजर भी आ रहा है। एक बार आप तस्वीर जरा दिखाइए, क्योंकि भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात है, पुलिस जाब्ता नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ ही देर में कोर्ट में पेशी होगी इन आरोपियों की, तो एक बार तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचाए। जी बिल्कुल, मैं कैमरा साथी को कहूँगा कि वो किस तरीके से, वो बताएंगे कि किस तरीके से जो पुलिस जवान अभी तैनात किए गए हैं और अभी और भी जाब्ता आने को हैं, कि फिलहाल जो अधिकारी हैं उन्होंने मौका मुआयना किया है इस पूरे कोर्ट परिसर का, नीचे से और 3rd फ्लोर तक, और किस तरीके से कैसे कैसे जाब्ता यहाँ मौजूद रहना है, उनको किस तरीके से लाना है, किस गेट से लाना है,
और किस गेट से उन्हें ऊपर तक कोर्ट तक पहुंचाना है, तो उस तरीके की पूरी व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया है। और अभी कुछ देर में और भी यहाँ जाब्ता पहुंचने वाला है, भारी जाब्ता और पहुंचेगा भी यहाँ। जी इंदु, बिल्कुल कमलकांत, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आज आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी और मौका मुआयना पुलिस के द्वारा कर लिया गया है।